प्रत्याशियों ने बसपा, माफ करेगा, सपा कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी को धमकाया। आपको बता रहे कि बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद को गोली मारने की धमकी दी गई है। बसपा नेता को गोली मारने की बात से अब ये विवाद बढ़ गया है। एक ही समय में सपा बसपा के कार्यक्रम से अब ये विवाद बढ़ गया है। हाजी मोहम्मद ने सपा प्रवक्ता राजेश दीक्षित पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सदर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी हैं हाजी मोहम्मद जकी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको गोंदा से दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशियों को धमकाया है। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद को गोली मारने की धमकी दी गई है। तो वहीं बसपा नेता को गोली मारने के बाद से अब ये मामला और बढ़ता चला जा रहा है। एक ही समय में सपा बसपा के कार्यक्रम से अब ये विवाद बढ़ गया है। हाजी मोहम्मद ने सपा प्रवक्ता राजेश दीक्षित पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सदर विधानसभा के चलिए वर्षा में आपको रोकना हो। इस बीच अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या जानकारी है, सपा कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी को धमकाया है? जी, मैं बता दूं कि ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर हमानिया मस्जिद के पास का ये मामला है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो है जनसंपर्क कार्यक्रम था। दोनों का समय जो तकरीबन एक समय पड़ने पर ये जो है दोनों को इजाजत मिली थी। ऐसे में जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी, उनका कहना है कि उनकी परमिशन पहले से थी, फिर इनका कैसे कार्यक्रम लग गया। लेकिन जो बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि इस गहमा गहमी के बीच में ही जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो सपा के जो प्रवक्ता है राजेश दीक्षित, उनकी मौजूदगी में सपा कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर जो बसपा के प्रत्याशी है जो हाजी जकी मोहम्मद, उनको सीधे तौर पर गोली मारने की धमकी दी गई। ये मामला जो है तूल पकड़ा, जिससे कि बेहद ही नाराजगी देखने को मिली। जो बसपा के जो वहां पर समर्थक मौजूद थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गहमा गहमी गुत्थम गुत्थी देखने का जो मामला यहाँ पर देखने को मिला, जो नजरिया जो है वो सीधे तौर पर जो मोहम्मद जकी है, जो बसपा के प्रत्याशी, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर यह सत्ता में अभी आने से दूर है उसके बावजूद ये इस तरह के खुलेआम जो है ये ऐलानिया कर रहे हैं कि हमें गोली मार देंगे, तो बस सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे ये समाजवादी पार्टी के लोग। और सबसे बड़ी बात ये भी कि वहां पे जो सपा के जो प्रवक्ता थे राजेश दीक्षित, उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी का कैमरा भी बंद कराने की कोशिश की इस पूरे विवाद के बीच। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला निकलकर सामने आया है कि समाजवादी पार्टी, क्या इसको लेकर के बसपा प्रत्याशी की तरफ से कोई मामला दर्ज करवाया गया है? कोई मामला दर्ज करवाया बसपा प्रत्याशी ने इसको लेकर के, क्योंकि गोली मारने की बात कही गई? जो जकी मोहम्मद है वो, उनका तो कहना था कि अगर इस तरह का प्रकरण सामने आया तो जिससे नाराजगी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इनके जो जो कार्यकर्ता है वो अब कहीं लामबंद होंगे और वो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर के कोतवाली जाएंगे। और उनका सीधे तौर पर आरोप है कि सपा के प्रवक्ता के मौजूदगी में हमें जान से मारने की, गोली मारने की सीधे तौर पर धमकी दी गई है। तो इस पूरे मामले से तूल पकड़ सकता है, क्योंकि जकी मोहम्मद जो है अब यहाँ पर इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं और इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुस्लिम समाज है उसमें उस तबके में भी इससे इस सीट को लेकर के नाराजगी होगी, क्योंकि पिछली बार यह सीट जो है सदर विधानसभा की जो है भाजपा के खाते में थे। यहाँ से प्रतीक भूषण सिंह जीते थे और सूरज सिंह सपा से जो चुनावी मैदान थे पिछली बार उनको हार मिली थी। इस बार वो चुनौती दे रहे थे प्रतीक भूषण सिंह को समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब ये तीसरा जो मोर्चा, इसके पहले जलील खान जो जिनकी मौत हो चुकी थी बसपा के जो कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई थी, जो यहाँ से बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन जकी मोहम्मद उसके पर अब लड़ रहे थे। अभिषेक बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।